बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ। आज हम जिस ऐसे की रीडिंग करेंगे उसका नाम है असीन एट द रेलवे स्टेशन। असीन एट द रेलवे स्टेशन, उसके लिए आपने बुक ओपन करनी है, पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन। इसका पेज नंबर है 619, 619 सफ़ाए 619। और ऐसे जो हम अभी पढ़ने लगे हैं बेटा, उसका नाम है असीन एट द रेलवे स्टेशन। असीन एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर एक मंज़र, रेलवे स्टेशन का एक मंज़र, रेलवे स्टेशन का एक नज़ारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम इंग्लिश रीडिंग करते हैं। The platform of a railway station is crowded with men, women and children. When some train is due to arrive or leave, there is a great hustle and bustle on the platform. Passengers and other people who have come to receive their relatives and guests wait impatiently for the train. Some stay close to their luggage, others walk about aimlessly. The vendors are crying at the top of their voices. They are selling meals, sweets, fruit, tea and cold drinks. Soon the train arrives. The porters in their red shirts and the railway staff move about in great hurry. Some passengers get down and others board the train. A hawker is selling newspapers. Passengers alighting from the train go out. The guard whistles. The signal is down. The train begins to move. After a short time, the platform looks as deserted as before. इसके बाद बेटा अब हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे और उर्दू ट्रांसलेशन भी साथ ही करेंगे। दोबारा से इस ऐसे को देखते हैं। A scene at the railway station. रेलवे स्टेशन का एक मंजर, रेलवे स्टेशन का एक नज़ारा। द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन इज क्राउडेड विद मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। वेन सम ट्रेन इज ड्यू टू अराइव और लीव, द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन इज क्राउडेड विद मैन। रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो हजूम अमेज होता है आदमियों के साथ, वुमेन औरतों के साथ एंड चिल्ड्रन और बच्चों के साथ। When some train is due to arrive or leave, जब कोई रेलगाड़ी जो है आने वाली होती है या रवाना होने वाली होती है। There is a great hustle and bustle on the platform. Platform पर बहुत ज़्यादा चहलकदमी होती है। Passengers and other people who have come to receive their relatives, मुसाफरीन और दूसरे लोग जो कि अपने रिश्तेदारों का इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। And guests wait impatiently for the train, और मेहमान जो हैं बड़ी बेसब्री से रेलगाड़ी का इंतज़ार करती हैं। Some stay close to their luggage, कुछ जो हैं अपने सामान के करीब करीब ही क्याम करते हैं। Others walk about aimlessly, दूसरे जो हैं बेमकसद इधर उधर घूमते हैं। The vendors are crying at the top of their voices, फेरी वाले जो हैं अपनी बुलंद आवाज़ में आवाज़ें लगाते हैं। दे आर सेलिंग मील्स, स्वीट्स, फ्रूट, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, वो खाना, मिठाइयाँ, मशरूबात, फल, चाय और ठंडे मशरूबात फरोख्त कर रहे होते हैं। सून द ट्रेन अराइव, जल्द ही रेलगाड़ी की आमद होती है। द पोर्टर्स इन दियर रेड शर्ट्स, कुली हजरात जो होते हैं जिन्होंने सुर्ख रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया होता है। एंड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टाफ मूव अबाउट इन ग्रेट हरी, और रेलवे स्टाफ जो है रेलवे का अमला जो है बड़ी तेज़ी से हरकत करता है। अ हॉकर इज सेलिंग न्यूज़पेपर, अ हॉकर इज सेलिंग न्यूज़पेपर, एक जो फेरी वाला है वो अखबारत फरोख्त करता है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 620 पे. पैसेंजर्स अलाइटिंग फ्रॉम द ट्रेन गो आउट. मुसाफरीन जो हैं रेलगाड़ी से नीचे उतर कर बाहर जाती हैं. द गॉड्स विसल्स. गॉड जो है वो सीटी बजाता है. द सिग्नल इज़ डाउन. सिग्नल जो है वो नीचे हो जाता है. द ट्रेन बिगिंस टू मूव. रेलगाड़ी रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है. आफ्टर अ शॉर्ट टाइम थोड़े ही वक्त में द प्लेटफॉर्म लुक्स एज डेजर्टेड एज बिफोर. प्लेटफॉर्म जो है ऐसे सहरा का या रेगिस्तान का मंजर पेश करता है जैसा कि वो पहले होता है. इसके बाद बेटा जिस ऐसे की हम रीडिंग करेंगे उस ऐसे का नाम है बॉय स्काउट. बॉय स्काउट है. सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे. बॉय स्काउट्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय लॉर्ड बेडन पॉल इन 1910. द मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी सून बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ द यूथ. इट मेक्स देम एक्टिव हेल्पफुल रिसोर्सफुल एंड ट्रस्टवर्दी. All the scouts promise to carry out the scout law. He does his duty to God, to his country, to the people. A scout is to be useful for others. He is clean in thoughts, words, and deeds. A scout is expected to lead a well-balanced life. He participates in all kinds of outdoor activities and learns the use of axe and hammer. He can cook food and peg a tent. He learns to help others. He enjoys sound physical and mental health. He never tries to hurt others' feelings. A scout does a lot of useful work in the times of emergency like floods and wars. He shows courage, determination, confidence on such occasion. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.